गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री साहब सिंह चौहान जी की ललकार पर हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं भाजपा लाओ जन जागरण रैली को सफल बनाने के लिए। जी हां, ये रैली है कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ, कांग्रेस सरकार की कुनीतियों के खिलाफ। जो प्यार आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 70 विधानसभाओं में पहली रैली निकल रही है। 1 सितंबर से घर घर जाकर के हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने भोंडा वार्ड को, ब्रह्मपुरी वार्ड को, भजनपुरा वार्ड को पूरा किया और पाटली यमुना विहार का बाई इलेक्शन हुआ चारों वार्डों से, तो आज 2 अक्टूबर का दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर क्षेत्र में इस रैली को निकालने का, भारतीय जनता पार्टी को लाने का, जनता को जन जागृत करने का संकल्प लेकर के आप सब कार्यकर्ता निकल रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली के 2 दिन बाद इस रैली का होना अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। मुख्यमंत्री बौखला गए, मोदी जी की रैली ने अब तक के आजादी के बाद के सारे आंकड़ों को फेल कर दिया, जगह कम पड़ गई। हर वर्ग का आदमी, चाहे हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, महिलाएं या बालक, बुजुर्ग जितने भी थे, उनका इसके बगल एक ही लक्ष्य था, चलो स्वर्ण जयंती पार्क, जापानी पार्क, नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि शीला दीक्षित राज करने लायक नहीं है, 15 साल में दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया, जहां दिल्ली आज भी प्यासी नहीं है। कोई मुख्यमंत्री से ये नहीं मांग रहे कि आसमान से चांद तारे तोड़ के लाइए, पीने को पानी नहीं दिल्ली में, बिजली पूरी नहीं, यदि है तो बिल अनाप शनाप, और इतने पानी के बिल अनाप शनाप, ऊपर से महंगाई, हर व्यक्ति इतना परेशान है कि बच्चों का जीवन भी चलाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में दिल्ली के लोग आज ही आ गए, अब कांग्रेस नहीं, सबकी जवान पर यही है कि अब कांग्रेस नहीं। मैं अपने क्षेत्र के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ और सारे साथियों का, और अपनी जो RWAs है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, सभी संगठनों के लोग जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, सबका नाम ले पा रहा हूँ, जिन्होंने जिस तरह से यहाँ पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी मई बना दिया है इस विधानसभा क्षेत्र को, आपको हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और मित्रों, आपके सामने चुनौती है, हमने ये वो कार्यकर्ता यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ, जो आने वाला है अभी, कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति में विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, विचारधारा है, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है और नई व्यक्ति से जुड़ने की जरूरत है। मैं भी विधायक हूं तो भारतीय जनता पार्टी का, आप है तो भारतीय जनता पार्टी के, आप भारतीय जनता पार्टी के और सब भारतीय जनता पार्टी के। हम लोग क्षेत्र में जो विकास की गंगा बही है, बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स है, और दिल्ली में 70 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली सीट ये हो, ऐसा संकल्प लेकर के आप अपने बीच में सैनी जी भी हैं, शाहीन सैनी जी, उनका भी हमें आशीर्वाद, और आते कहा कि विजय श्री निश्चित है, तो ऐसी बहनों का और बहुत ज्यादा मतों से, और ये संकेत तो यमुना विहार वार्ड के बाई इलेक्शन में, जो आप लोगों ने छोटे इलेक्शन में, जहां जयप्रकाश अग्रवाल ने, भीषम शर्मा ने और कांग्रेस ने घुटने गाड़ दिए थे, जहां पर नोट बांटी गई, शराब बांटी गई, घड़ियां बांटी गई, मिठाइयां बांटी गई और पता नहीं क्या क्या बांटा गया, उसके बाद उस जीत को 4,317 वोटों से विजयी बनाया। आज हमारी एक निगम पार्षद यहाँ अपने बीच में विजय लक्ष्मी बहल नहीं है, बहुत ही क्रांतिकारी नेता थी, उनकी हमेशा कमी खलती है, उनको हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भी समर्पित करते हैं, उनकी आत्मा वहां से खुश रही होंगी, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो उनकी बेटी जो इस मंडल की अध्यक्ष है, रचना विजय बहल हमारे बीच में है। तो मित्रों, आज यहाँ से आप संकल्प लेके जाइए, बिगुल बच चुका है, रणभेरी बच चुकी है और जीत की ओर अग्रसर दिन पर दिन होते जाए। अभी तो जो थोड़ा क्षेत्र है, कल से उसमें भी रैली निकलेगी, और मैं आपको भारतीय जनता पार्टी गोंडा विधानसभा क्षेत्र की ओर से, भाजपा विधायक दल की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आप इतनी संख्या में आए हैं और हौसला भारतीय जनता पार्टी का आपने बढ़ाया है, साथ ही मैं अपने परिवार की ओर से भी
अपने परिवार के बच्चों के, हमारी माता श्री यहाँ पर है, उनकी ओर से भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने कभी किसी को बांटा नहीं है, कभी किसी को बहकाया नहीं है। मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा, हमारे परिवार के सदस्य के खून की अंतिम बूंद तक भी आपकी सेवा में लगा रहेगा और कोई भी किसी प्रकार का जैसा कि अभी बताया बल्लन जी ने और हमारी रैली के संयोजक हैं श्री हरीश शर्मा जी, ये किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, आप बल्लन जी के साथ में वरिष्ठ नेता है हमारे। बोलो बोलो भारत की जय। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि व्यवस्था को ध्यान पूर्वक सुन लें। I'm not afraid.
जनता पार्टी जिंदाबाद।